एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हाथरस में स्थित रुद्रपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 15 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर है। लगभग 1500 की आबादी व 850 वोटरों द्वारा उर्मिला देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 241 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 70 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा खराब हैंडपंपों को भी रिपेयर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में लगभग 55 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 203 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत भवन, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। प्रधानमंत्री राम खिलाड़ी सिंह, ब्लॉक हाथरस, जिला हाथरस, तहसील हाथरस, गाँव में विकास कार्य कराए हैं, इंटरलॉकिंग कराई है, शौचालय बनवाए हैं, मनरेगा में चक्र डलवाए हैं, नाली की सफाई हुई है, वो आंगनबाड़ी केंद्र भी बनवाया है, तो शौचालय करीब 203 कंप्लीट हो चुके हैं, 2-4 से वो बन जाएंगे। जैसे गरीबों के लिए आवास, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये बननी चाहिए जो अभी तक नहीं बनी। हमने कम से कम 20 फॉर्म ऑनलाइन कर दिए पर अभी तक उनकी पेंशन नहीं आई है। जैसे पंचायत घर हमारे गांव में नहीं है पर हमारी पंचायत में, तो पंचायत घर बनना चाहिए, बारात घर बनना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र की जरूरत है, और शमशान में शमशान की चारों तरफ बाउंड्री हो जाए, उसकी सौंदर्यीकरण हो जाए, ये चाहते हैं तो अपने ग्राम पंचायत में।